हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से, आपकी फैमिलीज में सब लोग बहुत बढ़िया से हैं। तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हरियाली तीज की बहुत 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 बधाई। और अभी हम रेडी होएंगे, पहले हम घर का सारा काम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम रेडी होएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट वाली सब चीज़ें हो चुकी हैं, भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है, भगवान जी को भोग लग चुका है। अब मेरे छोटे भगवान जी जो है वो भोग लगा रहे हैं, मतलब अम्मू खाना खा रही है। खाना खा रहे हो? ओके। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। आज हमने बनाई थी दाल चपाती और लस्सी। ऐसा बोला जाता है सावन के महीने में लस्सी नहीं पीते हैं, तो आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। आजा खा लो, खा लो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अच्छा बोलो, अच्छे से बोलो राधे। आपकी आईज पे क्या लगा, दिखा। नहीं हो गया, साफ हो गया। हैंड नहीं लगाते बेटा आईज में, तो बोलो जय श्री राधे। पवन सुत हनुमान की जय। तो जी, सुबह हो चुकी है हम दोनों की, और अम्मो भी खाना खा रही थी, और खाने में इसको दिया मैंने चपाती, चपाती के ऊपर थोड़ा सा देसी घी और साथ में दाल, सो दैट थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़े से कार्ब्स, वो सब चीज़ें चली जाए। बिकॉज पहले क्या हो रहा था ना, खाना प्रॉपरली नहीं खा रही थी, और इसकी ये वाली चीज़ पूरी डार्क हो रही थी। तो जी, बस ऐसे ही कुछ मॉर्निंग चल रही है, और आप सबको हरियाली तीज की बहुत बधाई हो, और भगवान करे सब सब फीमेल्स का सुहाग, खूब लंबी आयु हो सबकी, और सबका साथ अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे से बना रहे। तो मुझे ऐसा अच्छा हरियाली तीज का फास्ट करना नहीं आता, बिकॉज मेरी मम्मी नहीं करती थी कभी, मैंने किसी को देखा भी नहीं है, और आई हेल फ्रॉम हिमाचल। हिमाचल में शायद इन चीज़ों का कस्टम या कल्चर थोड़ा कम है कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स जहाँ पे इनको मनाया जाता है। और बेसिक जो रूट्स है मेरी वो हिमाचल से हैं, और स्कूलिंग वगैरह मेरी पंजाब में हो गया, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स टू दैट मच एक्सटेंट। बट हाँ, इतना मुझे पता है हर महीना है तो हम भगवान जी को, माता रानी को सुहाग और सुहाग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो चढ़ाएंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान शिव को गिरना नहीं अम्मू, भगवान शिव की पूजा करेंगे अच्छे से, तो वो शाम को करेंगे, और आपको भी लेके चलूँगी अपने साथ मैं मंदिर। और अभी के लिए सारी चीज़ें सेटल कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। अम्मू की फर्स्ट कॉपी आई है ये मैथ्स के लिए। अम्मू वन लिखो, वन। ऐसे वन होता है, पिटाई करनी है। येलो कलर करेंगे यहाँ पे, नो गलत हो गया, यहाँ पे येलो, ठीक है। फिर हम करेंगे थोड़ा सा ये वाला कैटू में, वैसे कैटू वाइट होती है अम्मू, ठीक है। उसके बाद रेड कलर करेंगे हम फ्लावर में, ये। फिर हम वाह नहीं, यहाँ पे करेंगे ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेड कलर करेंगे, याहो। ओके, ये नहीं। अब हम वापस से जाएंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे ये, और ये, और कैटू की पूंछों में ये बॉल कर दी हमने येलो कलर की, और बॉल की लाइन कर दी हमने ब्लू कलर की, और ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई होती है मल्टी कलर की, है ना। तो बटरफ्लाई में हम कर देंगे ये वाला, वाह। अब बचता है ये, अब यिप्पी। क्या अभी बाहर लग रही है जी बारिश, शाम के बजने वाले हैं 6। अम्मो अभी सो के उठी है, आप सो के उठ रहे हो? कैसे नींद गया था, किसके साथ किया था?
कहाँ है डॉल? दिखाओ, सबको दिखाओ अपनी डॉल। गंदी है ये? तो ये है जी अम्मू की डॉलू। अम्मू डॉलू दोनों निन्नू कर रहे थे, मम्मा अपनी क्लासेस ले रही थी। मजा आया सो के? हाँ पूरे खड्डे सड़क सब सड़क में जहाँ भी खड्डा था ना वो इतना ज्यादा ओवरफिल्ड था जिसकी हद नहीं थी। तो ये हम लोग पहुंचे मंदिर, बच्चों को मंदिर में पानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ बच्चे पैर धो रहे थे क्योंकि पहले पूजा ने पैर धोए, तो मम्मा धोएंगी तो बच्चे कैसे नहीं धोएंगे। और अम्मू को तो खास पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसको पानी का नल दिखा, बस ये शुरू हो गई। तो ये एक भैया वहाँ पे मंदिर में थे, उनको देख के थोड़ा सा डरी। उसके बाद हम लोग गए नंदी भगवान जी के पास सबसे पहले अपनी गड़वी लेके। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, अम्मू को दूसरे के पास जो चीज़ दिखेगी ना इसको वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पहले हमें एक ही लोटा दिखा तो हमने वही ले लिया। तो अबू के हाथ में पकड़ा दिया वो, अम्मू ने देखा कि अबू के हाथ में लोटा है तो मुझे भी अलग से चाहिए। पहले तो इसने अच्छे से पानी दे दिया, फिर ये बाद में जिद पे आ गई मुझे मेरे लोटे में पानी दो। फिर पूजा गई तो वो इसके लिए भी लोटा लेके आई और हमने पूजा करी अच्छे से, माथा टेका शिव जी के पास। और हरियाली तीज थी तो सोचा था वहीं पे मंदिर के पास से श्रृंगार ले लेंगे, क्योंकि पूरा दिन थोड़ा सा वैसा सही मौसम रहा तो जा नहीं पाई। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी सब शॉप्स बंद हो गई थी बारिश के कारण, थोड़ा गीला भी ज़्यादा था तो मंदिर में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, आ रहे थे जा रहे थे तो इतना ज़्यादा नहीं था। और मंदिर में हमारे साथ कल एक मैंने नया ही एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आप भी हमारे साथ आइए, दर्शन कीजिए। जय भोले बाबा की, भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ पे हम शिव पार्वती का मंदिर है ऊपर, वहाँ से आ रहे थे नीचे की तरफ। सीढ़ियाँ थी, स्लिपरी थी और बच्चे साथ में थे तो हम बड़ा स्लो स्लो ध्यान ध्यान से उतर रहे थे। और यहाँ पे वहाँ उस मंदिर से नीचे आते ही राइट हैंड साइड को जय श्री हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने वहाँ प्रणाम किया। ये हम पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर में। इतनी सी बारिश से यहाँ पे इतना ज़्यादा चीकड़ हो चुका है। चलो ये बच्चा पहले चढ़ेगा, चलो वो चलो पूजा। तभी ना मेरा कुछ अच्छा खाने का मन था, अच्छे इन द सेंस जो हेल्दी भी हो और मतलब घर पे ही बनाऊँ मैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया फॉर्च्यून का ये सरसो ऑयल, इसको गर्म किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा और शिमला मिर्च और प्याज काट के। यहाँ पे मैंने दी है तीन सॉस, सोया सॉस, रेड टमाटो सॉस और उसके बाद ग्रीन चिली सॉस। सो डेल मोंटे की मैंने ली है दिस रेड सॉस और नॉर की ली है ग्रीन चिली सॉस एंड लास्ट में लिए है चिंग्स का ये डार्क सोया सॉस। तो चिंग्स का सॉस मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स अ गुड सॉस। तो इसके अंदर हल्की सी हल्दी और नमक डाल दिया है ताकि ये प्रॉपरली सॉटे हो जाए और बस अभी फ़िलहाल इसको सॉटे होने देंगे। और लास्ट में अगर आप इसके अंदर पनीर डालना है तो आप पनीर डाल लो, नहीं तो योर चॉइस, पर मैं इसके अंदर पनीर डालूँगी ताकि मैं इसको चीज़ चिली का फ्लेवर दे सकूँ और चीज़ चिली का शेप दे सकूँ।
तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको सॉर्ट होने देते हैं, सॉर्ट होने के बाद आपको दिखाती हूँ।